हेलो दोस्तों, ये कहानी है पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले पहले जहाज जिसका नाम था विक्टोरिया। असल में इस सफर की शुरुआत 1519 में हुई जब फर्डिनेंड मैगलेन की अगुवाई में 5 जहाजों का बेड़ा स्पेन से निकला। इनका लक्ष्य था पूर्व की ओर समुद्री मार्ग ढूंढना, लेकिन सफर के दौरान अनगिनत मुश्किलें आई। समुद्री तूफान, अपरिचित द्वीप, खतरनाक समुद्री जीव और कभी कभी भूख से जूझते हुए इस लंबी यात्रा में जहाज की कप्तानी कर रहे थे मैगेलन अपनी जान गंवा बैठे। ये घटना अप्रैल 1521 की है जब भूख प्यास से मारे ये जहाज एक द्वीप पर पहुंचते हैं और वो द्वीप था फिलीपींस का मापतान द्वीप। और यहाँ के स्थानीय राजा लापू लापू ने इन नाविकों का भयंकर विरोध किया और जिसके कारण एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मैगेलन ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस संघर्ष में वो मारे गए। अपने लीडर के जाने के बाद नाविकों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था कि वो अपने इस मिशन को अधूरा छोड़ सकते थे इतनी मुश्किलों के बीच। लेकिन मैगेलन के एक साथी थे जुआन सेबेस्टियन एलकानो, उन्होंने कहा नहीं, ये सफ़र तो जारी रहेगा, हम अपने कप्तान के लिए इस सफ़र को जारी रहेंगे। तो वो इस जहाज के जो एकमात्र जहाज उस युद्ध के बाद बचा था विक्टोरिया, उसको लेकर आगे बढ़े। एलकानो ने न सिर्फ साहस दिखाया बल्कि दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बने जिसने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। मैगेलन की मौत के बाद भी उनके अधूरे सपने को पूरा कर यह साबित कर दिया कि मानव आत्मा कभी हार नहीं मानती। विक्टोरिया के सफल लौटने से यह साबित हुआ कि पृथ्वी गोल है और समंदर के रास्ते उसका पूरा चक्कर लगाया जा सकता है। यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने विश्व को नई दिशा दी और मानव अन्वेषण के नए आयाम खोले। यह घटना इतिहास के उन पन्नों में अमर हो गई जिसने न केवल समुद्री अन्वेषण की दिशा बदली बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प की एक अद्वितीय मिसाल भी पेश की।